और मेदिनीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। होटल से 90 लाख कैश बरामद हुआ है। एक व्यक्ति के पास 90 लाख कैश मिला। सीजीएल परीक्षा को लेकर होटल में हो रही थी जांच और जांच के दौरान बिहार के एक शख्स के पास से 90 लाख कैश बरामद हुआ। रफीगंज का रहने वाला सदन यादव है ये और शख्स से पुलिस अब पूछताछ भी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको मेदिनीनगर से बता रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति के पास से 90 लाख कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि सीजीएल परीक्षा को लेकर के होटल में ये जांच हो रही है और जांच के दौरान ही बिहार के एक शख्स के पास से 90 लाख कैश बरामद हुआ। रांची से बड़ी खबर है जहां राज्य भर में इंटरनेट सेवा दो दिन के लिए बंद। 21 और 22 सितंबर को इंटरनेट सेवा बंद रहेगा। सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगी। राज्य सरकार ने जेएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के यह बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का यह फैसला है। झारखंड में 823 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होगी। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, पेपर लीक कैसे रुके, इसको लेकर के इंटरनेट सेवा बंद रखी जाएगी, क्या तैयारी है? जी बता, इंटरनेट सेवा को बाधित करने कर जो एक सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ये इंटरनेट सेवा को स्थगित करने के लेकर सरकार की जो प्रधान सचिव है वंदना दादेल, उनकी तरफ से जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं और तमाम जो टेलीकॉम कंपनियां हैं और इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं उन तमाम लोगों को इससे अवगत कराया गया है। बता दें कि सीजीएल पेपर लीक को लेकर बात की जाए तो तमाम कवायद जो है वो की जा रही है ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो निष्पक्ष और पारदर्शीपूर्ण माहौल में जो है वो परीक्षा दे पाए। तो इस तमाम जो कवायद को लेकर अब देखना होगा कि इस जो पेपर लीक को रोकने को लेकर जो इंटरनेट सेवा को बाधित किया जा रहा है इससे क्या कुछ संभव हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर एक तरफ रोष भी है, कई लोग इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर पेपर लीक रोकने को लेकर इंटरनेट सेवा को बाधित करना ही क्या एक बेहतर कदम था। ये तमाम चीजें जो है वो सवालों के घेर में भी है, अब देखना होगा। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। बता दें आपको कि सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को भी इसकी जानकारी दी है। वैसे मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में सियासत हाई है।